हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए दूसरी सीरीज इतिहास से उठा के लाया हूँ, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में। इसमें मैं आपसे अकबर, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक बात करेंगे, लेकिन ये पार्ट भाग है, इसमें हम केवल जहांगीर तक बात करेंगे। जैसे आपको को पता ही है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद की थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये पहला शासक था जिसने किसी युद्ध में बारूद और बंदूकों का इस्तेमाल किया था। इसकी जीवनी तुजुके बावरी में लिखी गई है, जो कि तुर्की भाषा में है। यह मुगलों की एकमात्र किताब है जो तुर्की में है, बाकी सब फारसी में है। बाबर का ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। इसने मेन प्रमुख चार लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई पानीपत की, जो 1526 में इब्राहिम लोदी से लड़ी, जिसमें ये विजयी रहा। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, जो 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध, ये मेदिनी राय के साथ हुआ, इस 1528 में, इसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के साथ हुआ, इसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी जब उसने पानीपत का युद्ध जीता था, और खानवा के युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। बाबर ने जिहाद का आरंभ खानवा के युद्ध के बाद किया था, और इसकी मृत्यु आगरा के आरामबाग में हुई थी। आगरा में हुई थी, आरामबाग में इसे दफनाया गया था, और उसके बाद इसके चुने हुए स्थान काबुल में बाद में दफना दिया गया। बाबरनामा इसकी आत्मकथा है, जिसमें इसने मेवाड़ राज के बारे में कहा है, और इसकी रचना अब्दुल रहीम, इसकी अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खान ने की है। और बाबर मुबई मुबई यान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है, और यह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ले अहरार का अनुयायी भी था। हुमायूं ये बाबर का उत्तराधिकारी था। इसका जन्म 29 इसका इस नहीं हुमायूं यह बाबर का उत्तराधिकारी था। इसने 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। इसके पिता ने अपने राज का बंटवारा सारे भाइयों में कर दिया था, जो क्रमशः कामरान को काबुल मिला, कांधार मिर्जा अस्कारी कांधार मिर्जा अस्कारी को मिला, संभल मिर्जा हिंदाल को मिला, और अलवर एवं मेवाड़ और अलवर एवं मेवाड़ की जागीरदारी दी, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध, जो 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर
शाह की पदवी धारण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में 17 मई को लड़ा गया शेरखां हुमायूं के बीच, इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेरखां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम के युद्ध के बाद वह सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा प्रमुखतः 4 लड़ाइयां लड़ी गई, इसमें देवड़ा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का 1540 एवं सरहिंद की लड़ाई 1555 सम्मिलित है। 1 जनवरी 1556 को दीन पना भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसका विश्वास ज्योतिष शास्त्र में था, जिसकी वजह से यह 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और जो हुमायूं नामा है वो गुल बदन बेगम ने रचना करी है, और साथ ही साथ जो इसका हुमायूं का मकबरा है उसको इसकी पत्नी ने ही बनवाया था। और देखिए हुमायूं का ये शानदार फोटो है। सम्राट अकबर, जैसा कि सब जानते हैं, ये बहुत बहुत ही महान शासक था। इंडिया के 2 महान शासक अकबर और अशोक में से ये उनमें से एक है। ये इसका जन्म 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफा ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राजसिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। इसने हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में 18 जून को लड़ी, जिसमें इसका सेनापति मानसिंह था और इसने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पराजित कर दिया था। अकबर ने हरम दल से अपने आप को 1562 ईस्वी के मई महीने में मुक्त कर लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को हो गई थी। गुजरात विजय के अवसर पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था। और इसने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जिसको सबसे पहले और आखिरी अपनाने वाला हिंदू शासक बीरबल था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से सबसे पहले अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मानसिंह, सातवा अब्दुल रहीम खाने खाना, आठवा फकीर उजुद्दीन, और नौवा मुल्ला दो प्याजा। फैजी जो
अबुल फजल का बड़ा भाई था, इसके दरबार में कवि था। अबुल फजल ने अकबरनामा की ग्रंथ की रचना की है और यह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास, जो आमेर के राजा भारमाल का पुत्र था, को आमिर उल उमरा की उपाधि दी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसमें नकीब खा, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा रखा, जिसका अर्थ है युद्ध की पुस्तक। इसने चार बाग नाम बनाने की परंपरा भी प्रारंभ की थी और तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की। इसका शासन काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णिम काल था। इसने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महामात्र की उपाधि प्रदान की। ये देखिए अकबर महान का चित्र, जिसका जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, जिसका ओरिजिनल नाम सलीम था। ये इसका नाम अकबर ने सलीम, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। इसने 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन जहांगीर बादशाही गाजी के की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। इसको जहां न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो सोने की बनी थी। ये जो आगरे किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा शुरू की, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। इसका सबसे बड़ा पुत्र खुसरो, जो 1606 में इसके विरुद्ध लड़ाई की और भैरावाल नामक स्थान पर, जो जालंधर के निकट है, के वहां पकड़ा गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो की इससे मुलाकात गोइंदवाला में भी थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास इसका अधिकारी बना। नूरजहां, ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेगम की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरू निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेना में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उल दौला की उपाधि प्रदान की। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी।
जिसकी सह जहांगीर के पुत्र सहरार के साथ हुई। नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोज निकाली थी। जहांगीर का इस समय चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर था और इसे चित्रकाल का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री आए थे। और जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 में भीमवाड़ में हो गई थी और इसके बाद में लाहौर के सहाद्रा में रावी नदी किनारे दफना दिया गया था। ये है जहांगीर का चित्र। अब अगली मुलाकात मुगल साम्राज्य के भाग दो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।